आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस में बात करेंगे जामिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट कोर्स B04 BBA और BCOMs के जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इस टॉपिक में हम लोग जो कैलेंडर टॉपिक है हमारा उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। हालांकि जो मैं इसमें मेथड बताऊंगा तो इस तरीके से तो सॉल्व आप जैसे कि कैलेंडर के जहां भी एंट्रेंस होते हैं आप लोगों के, जैसे BA ज्योग्राफी मान लीजिए या फिर DLED BEd किसी भी कोर्स में जहां कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं आप इस मेथड से वहां सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो सिर्फ BBA और BCOM किसके होंगे, ठीक है। तो देखिए, जो कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको कई सारे अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें बता दूं कि आप कोई भी एक मेथड जो सीखेगा कैलेंडर का, कोई एक ही मेथड सीखेगा और उसको अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी है। तो देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ तो इसमें आपको पहले सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कोड याद कर लीजिए मंथ के लिए। जैसे कि जनवरी रहेगा तो 1 होगा, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4 एंड अप्रैल के लिए 0, मई 2 एंड जून 5, जुलाई 0 एंड अगस्त 3 एंड सेप्टेम्बर 6 एंड अक्टूबर 1 एंड नवंबर 4, दिसंबर 6, ठीक है, 4। इसी तरह से ये नॉर्मल ईयर का होगा, एक लीप ईयर। देखिए, मैं आपको बता दूं, ईयर जो होता है हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारा नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि जो फरवरी होता है हमारा वो 28 डेज़ का होता है, जो हमारा लीप ईयर होता है वो हमारा 29 डेज़ का होता है। ये तो आपको पता होगा, जो लीप ईयर हमारा वो हर 4 साल में आता है। आपको लीप ईयर निकालना हो तो आप सीधी सी बात, जो लास्ट की 2 डिजिट हो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूँ कि आप कहेंगे सर 1700 जो है ये लीप ईयर है कि नहीं, तो ये नहीं है लीप ईयर। अगर आप सेंचुरी में देख रहे हो तो तब आपको 400 के जो टेबल में आ रहा है वही होगा आपको, जैसे कि 1600 लीप ईयर होगा, 2000 लीप ईयर होगा, 2400 लीप ईयर होगा, बट 19 लीप ईयर नहीं है। इसके पीछे ये है कि 6 मिनट का कुछ अंतर, उसको जोड़ जोड़ के लास्ट वाले साल में कटा देते हैं, ठीक है ना। तो खैर, हम लोग इसके साइंस के पीछे भी नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लेना हमें कि जो लीप ईयर अगर हमारा 100 में है तो वो सिर्फ जो 4 के टेबल में 100 में है तभी होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन देखिए, आप जैसे कि आप देखिएगा 1700, तो ये जो है आपका जो 17, ये आपका लीप ईयर नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो 100 के में है, तो जब 2000 हमारा लीप ईयर है तो ये क्यों नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। आपका कौन सा होगा, 1600 होगा, 1200 होगा और 800 होगा, 400 होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, डे के लिए जो मैंने कोड लिया है इसमें क्या लिया है, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2 एंड ट्यूसडे 3, वेंसडे के लिए 4 है आपका, और थर्सडे के लिए 5 है, और फ्राइडे 6 एंड सैटरडे के लिए 0। तो ये आपको कुछ कोड देखने। इसके अलावा देखिए, 3 कोड आपको याद रखने हैं सर, एक मंथ का कोड, एक डे कोड और तीसरा आपका सेंचुरी कोड, यानी कौन सा शताब्दी चल रहा है उसका कोड। ये 3 कोड की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सेंचुरी कोड में देखिए, अगर आपका 2000 प्लस में डेट दे रखा है तो उसका के लिए 6 कोड होगा, 19 के लिए 0 है, 1800 के लिए 2 है, और 1700 के लिए 4 है, और 2200 के लिए 2 है, ठीक है। तो ये आपका कोड है, तो इसी हिसाब से हमें पेपर सॉल्व करना है। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2005 को जो था उस दिन क्या था, थर्सडे था, ठीक है। तो 8 फरवरी 2004 को क्या हो। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो ना जिसमें एक दिन का डेट दे रखा हो और दूसरे दिन का डेट पूछे, तो इसमें हमें पहले क्या करना होता है कि पहले फर्स्ट डे जो दिया हुआ उसका डेट हम निकालते हैं कि जो बात उसने हमें बताई है। जैसे इसने कहा कि 10 फरवरी 2005 को क्या था, थर्सडे था, तो क्या ये बात इसने सही बताई है। अगर इसने एकदम सही बताई है तो हम भी इसको इस दिन का सही डेट बताएंगे। अब मान लो अगर इस दिन मान लो फ्राइडे था पर इसने थर्सडे दिखाया, एक डे कम दिखाया, तो हम भी एक डे कम दिखाएंगे। यानी जैसा ये वैल्यू देगा वैसे ही हम यहाँ पर देंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले जो डेट दे रखा हो उसका जान लो कि जो वैल्यू दे रखी है सही है या नहीं है, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको डायरेक्ट उनको ये पूछना हो कि 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता ना आपको ये वैल्यू क्यों दिया उन्होंने। इसीलिए दिया क्योंकि इसके ही अकॉर्डिंग आपको करना है, इसको समझिए बात को आप लोग। तो देखिए, सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका 10 फरवरी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10 को आप डिवाइड कीजिए कि 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते, 7 दिन ही होते ना, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको, 3 आएगा, 3 हो गया प्लस। अब ये 2005 है, ये 05, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के लिए फरवरी का कोड कितना है, 4 है। देखिए, कोड ऐसे होता है, ये है 1440250360146। पहला आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये आपका कोड हो गया। ये कोड सिर्फ आपका चेंज कब होता है, लीप ईयर में। लीप ईयर में जनवरी के लिए 0 हो जाता है और फरवरी के लिए 3 हो जाता है। बाकी ये सारे कोड जो है ना सिर्फ जनवरी और मार्च के, सॉरी जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होता है, बाकी सभी कोड सेम रहता है, चाहे कोई सा भी ईयर रहे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 3। अब फरवरी का कोड हमारा कितना कर रही है, लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, प्लस में 4। अब जो ये लास्ट की डिजिट है इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो 2 डिजिट है, अगर हम 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि जा ही नहीं रहा, तो प्लस का 5। उसके बाद जो लास्ट की जो 2 डिजिट होगी ईयर की, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर, सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर लेंगे, ठीक है, पता चल गया आपको। उसके बाद इसको हम लोग 4 से डिवाइड फिर करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या लेंगे, कोशियंट लेंगे। अब 5 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 एक बार में आ गया, यहाँ जो वैल्यू आई है ये आपका कोशियंट होता है आपका, तो इसको लेंगे तो यहाँ कितना आया, 1 आया। इसका मतलब ये होता है कि कितने लीप ईयर आए, तो 5 से पहले हमारा एक ही लीप ईयर आया 4, तो ऐसे भी निकल गया। और डिवाइड करके भी तो हम 4, मान लो कोई बड़ी संख्या देखा 73, हम कब तक काउंट करें, सीधा डिवाइड करके देख लेंगे, जो कोशियंट आएगा उसको ले लेंगे, तो कोशियंट कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पर 1 कर लिया। प्लस सेंचुरी कोड ये कितना, 2000 है, तो 2000 के लिए क्या प्लस में है ना, तो किसके लिए कितना सेंचुरी कोड बताई थी मैंने, 6 बताई थी हमने, क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो अब इन सबको प्लस कर लो आप, इन सबको आपने प्लस कर लिया, ठीक है, इन सारी वैल्यू को आप प्लस कर लो। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको 7 से डिवाइड कर दो आप, 7 से हमने डिवाइड किया 19 आ गया, तो 19 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, 5 बचा, जो रिमाइंडर बचा वही आपका डे है। अब 5 कोड हमने किसके लिए रखा, ये देख लेते हैं, देखिए 5 कोड हम लोगों ने किसके लिए रखा है, थर्सडे के लिए, यानी कि 10 फरवरी 2005 को कौन सा दिन था, थर्सडे था, और इसने भी हमें थर्सडे ही बताया है, तो यानी कि इसने सच बोला है एकदम, तो हम भी क्या करेंगे, एकदम सच बताएंगे कि भाई 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, वही बताएंगे हम भी। आ जाओ आप देख लेते हैं इसका, अब मैं अगर 8 फरवरी को 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, 1 आ गया, प्लस मंथ कोड। अब ये लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या होता है, 03 है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 3 कर लिया हम लोग, ठीक है, 3 है, मतलब अगर 3 से पहले 0 अगर लेफ्ट में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 3 ही मानो, ठीक है। उसके बाद जो ईयर है 4 है, इसको हम लोग ईयर को पहले क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, 4 ही आया, 4 आ गया। उसके बाद फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोशियंट कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस में 1। उसके बाद सेंचुरी कोड कितना हमारा, 6। इन सबको प्लस करो और 7 से डिवाइड करो। जब हमने इन सबको प्लस किया तो हमारा कितना आया, 15 आया। 15 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। 1 आया रिमाइंडर, तो 1 कोड किसके लिए हमारा, संडे के लिए। तो इसका मतलब इस दिन कौन सा डे होगा हमारा, संडे होगा। संडे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। अब इसी तरह आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 22 अप्रैल 2013 इज मंडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑफ द 22 अप्रैल 2012। तो इसमें आपको दे रखा है कि जो 22 अप्रैल 2013 का था उस दिन मंडे था, तो 22 अप्रैल 2012 को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो हम पहले देख लेंगे कि इसने जो बात हमें पहले कही है ये सही है या नहीं है, उसके बाद फिर इसको करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अप्रैल का मंथ कोड कितना होता है, मैंने क्या बोला, 1 144 025, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल पे कितना आ रहा है, 0, तो अप्रैल का कोड क्या हो गया, 0। प्लस अगर हम 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, प्लस में 6 सेंचुरी कैलेंडर। उसके बाद 13 को किससे करना है, जो ईयर वाला हमारा उसको हम लोग 4 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो हम उसका कोशियंट लेंगे। तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12, ये कितने बार में आ गया, 3। तो यहाँ पे कोफिशियंट कितना आ गया इसका, 3 आ गया, 3 प्लस कर लिया। अब ईयर देखो 2013 है, 2000 ऊपर है ना, तो यहाँ पे इसके लिए कोड क्या है, 6, तो यहाँ पे हमने 6 प्लस कर दिया। तो इन टोटल को प्लस करने का आ गया 16 आ गया। 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 16 / 7 14 आ गया, 2 तो यहाँ जो रिमाइंडर है हमारे कितना बचा, 2 बचा ना। तो 2 कोड हमारा किसके लिए, 1 कोड हमारा संडे के लिए है, 2 कोड हमारा मंडे के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मंडे। और इसने भी बोला मंडे, यानी कि इसने एकदम सच बात बोला, तो हम भी सच बात बोलेंगे।
कि भाई 22 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन, एग्जैक्ट दिन बताएंगे हम भी। देखिए 22 अप्रैल 2012 तो 22 को हम लोग फिर 7 से करेंगे डिवाइड, कितना आया रिमाइंडर 1। अप्रैल मंथ के लिए कोड क्या 0। अप्रैल का मंथ चाहे लीप ईयर में हो चाहे नॉर्मल ईयर में हो, कोड चेंज नहीं होता। कोड किसका कब चेंज होगा, जब जनवरी या फरवरी होगा तब, ठीक है। इसलिए अब 12 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आ गया। प्लस अब हम लोग 12 को हम लोग 4 से करेंगे डिवाइड तो कोशियंट कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक बार हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो कोशियंट प्लस करेंगे। 4 से डिवाइड करें तो 3 कोशियंट आया तो 3 प्लस। उसके बाद सेंचुरी ईयर, तो 2012 है तो 2000 से ऊपर के ईयर के लिए क्या करना है, कोड ईयर 6 लेना है ना, और 1900 से ऊपर आएगा तो हमें 0 लेना है, ठीक है। 2100 से ऊपर होगा तो हमें, ठीक है। तो इन सभी को आप प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर आपको यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया आपका। और 2 कोड किसके लिए होता है, मंडे के लिए। तो इसका मतलब 22 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था आपका, मंडे था। एक मिनट, नहीं ये रहा ऊपर हो गया, तो ये रहा, हाँ। तो रिमाइंडर 1 आया, तो 1 रिमाइंडर हमारा किसके लिए होता है, संडे के लिए होता है, और 2 रिमाइंडर हमारा होता है मंडे के लिए, ठीक है। 3 होता है हमारा वेंसडे के लिए, और थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, नहीं एक मिनट, 2 होता है मंडे के लिए, 3 होता है ट्यूजडे के लिए, 4 होता है वेंसडे के लिए, 5 होता है थर्सडे के लिए, और 6 फ्राइडे के लिए, और सैटरडे के लिए 0। ये देखो मैं एक बार और दिखा दूँ आपको कितना, ये देखिए डे का कोड ये रहा आपका, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो एक रिमाइंडर हमारा, तो एक किसके लिए होता है हमारा, संडे के लिए होता, तो संडे हमारा ऑप्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टूडे इज ए थर्सडे, तो डे आफ्टर द 59 डे। तो सीधे एक बात बता दूँ मैं आपको कि देखिए आज मान लो थर्सडे है, तो आज के 7 दिन बाद भी फिर सात दिन बाद थर्सडे ही होगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या होता है, जो डे होता है आपका रिपीट होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि वीक में कितने डे होते हैं आपके, 7 डे ही होते हैं आपके, ठीक है। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना है, 3 है। तो जो आज का डेट है उसके कोड में 3 प्लस कर दो आप, कोई सा भी डे आपने पूछे, 50 दिन बाद, 7 दिन बाद, 80 दिन बाद, 90 दिन बाद, किसी भी दिन बाद पूछे आपको, आप उसको क्या करें 7 से डिवाइड कर दें, और जो रिमाइंडर आए उसको आप जो डे दे रखा उसके कोड में एड कर दें। तो रिमाइंडर आपका कितना आया, यहाँ पर 3 आया, और आपको कौन सा डे दे रखा था, थर्सडे। थर्सडे का कोड क्या होता है हमारा, 5 होता है, 5 प्लस 3 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। अब 8 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 कोड किसके लिए हमारा, संडे के लिए है, तो संडे हो जाएगा इसका आंसर। या फिर ऐसे भी निकाल सकते भाई 56, क्योंकि 56वां दिन भी सेम होगा, क्योंकि 7वां दिन भी थर्सडे होगा, 14वां दिन भी होगा, तो ऐसे कर करके ये लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा आपका। इसलिए सीधा डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर निकालिए, और रिमाइंडर को उसमें ऐड कीजिए, और डे पता कर लीजिए अपना, ठीक है। ये मैंने प्रोसेस भी करा बता रखा कि कैसे मैंने सॉल्व किया, और ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मिशन जामियन टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, द लास्ट डेट ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, देखिए इन्होंने इसमें टी लिखना मैं भूल गया हूँ, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होगा, कैन नॉट बी। देखिए यहाँ जब हम सेंचुरी की बात करते हैं ना, तो इन समय हमारा जो कोड चलता है ना ये अलग चलता है, यहाँ चलता है कि संडे के लिए 0 रहेगा आपका, इसमें जो है ना आप कोड उल्टा मान लीजिए, यहाँ पे 1 प्लस करके, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन आपको जो बताया है ना उसमें मैंने संडे को 1 माना था, लेकिन यहाँ पे आप संडे 0 आपका, मंडे 1 है, ट्यूजडे 2 है आपका, वेंसडे 3 है, और थर्सडे 4 है, फ्राइडे 5 और 6 है, ऐसा है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, सेंचुरी वाले के लिए, बाकी हर जगह आप उस वैल्यू को लगाएंगे। इसमें याद रखिएगा जो आप कोड लेते हैं उसका बहुत ये वैल्यू होता है, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप एक जो सेंचुरी होता है आपका, पहले सेंचुरी आपके कितने ओड डे होते हैं, 5 ओड डे होते हैं, दूसरे सेंचुरी 5 प्लस यानी 10 ओड डेज हो गए। अब थर्ड सेंचुरी में जाएंगे तो कितने ओड डे हो गए, 15 ओड डेज हो गए। अगर 5 ओड डेज है तो 5वां कोड यहाँ पर किसका दे रखा है, फ्राइडे, यानी कि पहले सेंचुरी में जो लास्ट दिन होगा वो फ्राइडे होगा। दूसरे में 10 ओड डेज हो गया, दूसरे में मिलाएंगे 5 का 5 का 10, तो 10 को 7 से डिवाइड करने किसके, 3, तो 3 कोड किसके लिए, वेंसडे के लिए, यानी कि दूसरा दिन हो गया आपको वेंसडे। और जो 300 वाला ईयर होगा उसमें 15 डेज हो गया, 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 इवेंट रहा, यानी पहला कोड किसके लिए, मंडे के लिए, तो 1 मंडे का हो गया।
इसी तरह आप चौथा ईयर, तो जो 400 वाला ईयर है, 1800 वाला और 1200 वाला और 1600 वाला, ये क्या है, लीप ईयर है, तो इनमें ओड डे की संख्या एक ज़्यादा हो जाएगी। तो 20+1 21 ओड डेज, 21 ओड डे को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, 0 0। हमने किसके लिए लेते हैं यहाँ पे, संडे के लिए। तो इसका मतलब सेंचुरी के लास्ट में कौन कौन सा डे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, वेंसडे आ रहा है और मंडे आ रहा है, ठीक है, और संडे आ रहा है, ठीक है। तो ये सब इसमें आ रहा है। तो इसमें कौन सा नहीं आ रहा आपको, मंगल, ट्यूसडे नहीं आ रहा, थर्सडे नहीं आ रहा और सैटरडे नहीं आ रहा। तो इसमें देखिए ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे में कोई है ऑप्शन, देखिए ट्यूसडे है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा सेंचुरी का लास्ट डेट होगा वो हमारा ट्यूसडे नहीं हो सकता, ना वो थर्सडे होगा ना सैटरडे होगा। क्या हो सकता आपका, या तो वो आपका मंडे हो, या आपका वो संडे हो, या वेनसडे हो, या फ्राइडे हो, ठीक है। इसी तरह अब देखिए ये रहा क्वेश्चंस, ये 2021 का क्वेश्चन है। सपोज दैट द टू डे इज मंडे, यानी टुडे मंडे है और आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, जितने दिन बाद ही पूछे उसको आप 7 से डिवाइड कर दें। तो 61 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 56, कितने में जाएगा ये 8, यानी मंडे कितना बचा, 5 बचा ना। अब मंडे का कोड हम लोगों ने कितना लिया, पहले मैंने आपको बता रखा मंडे कोड कितना, 2 2 प्लस 5, कितना हो गया हमारा 7 हो गया। अब 7 का मतलब अगर 7 को 7 डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, रिमाइंडर, रिमाइंडर की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो 0 कोड हमने किसके लिए रख रखा है, सैटरडे के लिए। तो सैटरडे ऑप्शन में है, है ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर हो सके तो आप लोग कमेंट में इनका आंसर भी बता देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग, ठीक है। इस यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का डे पता करना है आपको, बाकी ये मैंने लिख दिया 15 अप्रैल, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 जनवरी 2024, ये सब आपको डेट को पता करना है आपको। और देखिए इसका ना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मिनिमम एक क्वेश्चन तो इससे आएंगे जाएंगे। देखिए रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बताए हैं, लगभग 15+ बताए हैं, सभी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। और ये ऐसे चीज़ें कि अगर आपने इन पर प्रैक्टिस कर लिया, मान ली इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व, इनका कंसेप्ट समझ लिया, इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अच्छे से, तो आप इनका आंसर आप कर देंगे। जीके का जो पार्ट है इसका बहुत बड़ा है, उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, तो उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। रीजनिंग को आप इजीली, क्योंकि रीजनिंग में आप जो पढ़ेंगे आपका नंबर जो आपका पक्का होता जाएगा, पर जीके में कन्फर्म नहीं है। मान लो आपने नेशनल डेज याद कर लिए 40, अब हो सकता है कि कोई और नेशनल डे आ गया जो आपने याद ही नहीं किया, पर इस रीजनिंग का तो तरीका आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने का, तो आप सॉल्व कर देंगे चाहे जैसा भी आए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मिशन जामिन टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी कोर्स का रिवीजन का पेपर चाहिए तो आप तो मिशन जामिन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। अगर वहाँ नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9354457656, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज करके मांग सकते हैं। बाकी जीके के लिए तो आप लोग को जो नोट्स वोट चाहिए तो वो आपको साहित्य सर देंगे, रीजन का मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मेरा नाम आलम है। अगर आप लोग बीबीए, बीकॉम्स या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी करो या स्कूल की, तो आप लोग क्या करें ना, मिशन जामियन चैनल के ना प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ अपने कोर्स का प्लेलिस्ट देखें। जैसे ये बीबीए का देखें तो बीबीए पेपर सॉल्व देखें, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने पेपर सॉल्व करा रखे कई कोर्सों के, तो आप अपने कोर्स का प्लेलिस्ट देखिए और उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अपना सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामियन सिटी वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।